हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस्ट। कैसे हो आप लोग? ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे हो एंड देन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से शानदार चल रही है। तो जैसे कि आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि गैटबी की एग्जाम अगर कभी आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो तो ऐसा कौन सा सेक्शन सर हमें वहां से अटेम करना चाहिए, या कौन सा सेक्शन हम पहले सिलेक्शन करें जिसके कारण हमारा एक स्कोर या हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बिल्डअप हो। देखो, एक चीज मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात उस एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, है ना। ध्यान से मेरी बातों को सुनो एकदम करीब आकर, कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उस एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जाम किस पैटर्न के ऊपर अपने क्वेश्चंस को देती है। और अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता करना है तो ऑब्वियसली आप हमारे जो ऐप है वहां से सारी इंफॉर्मेशन या एनालिसिस को देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको वो सारा एनालिसिस दिखा दूंगा अगले एक लेक्चर या अगले एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले उस टॉपिक पर बात कर ली जाए कि आखिरकार सर कौन सा ऐसा सेक्शन हम वहां से एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करें। तो देखो, सबसे पहली बात कि एक लेवल होता है किसी एग्जाम को अटेम करने का। कैसे लेवल होता है, देखो मैंने भी एग्जाम दिए, मैं अपने लेवल की बात करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि हर किसी का एक अलग अलग लेवल होता है, बट फिर भी एक एक्सपीरियंस अगर कभी मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मैं सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम करना चाहूंगा जिस सेक्शन के अंदर मेरा मोरल डाउन ना हो। अब सोचो जरा एक बात, मुझे ये बताओ, क्या आप अगर कभी आपको ऐसे सोच लो आपको एक लड़ाई के अंदर उतारा जाए, एक युद्ध के अंदर उतारा जाए, और आपके सामने आपसे कमजोर कमजोर खिलाड़ियों को आपके सामने रखा जाए, तो आप उनको आराम से बीट कर दोगे? ऑब्वियसली बीट करोगे। एंड देन जब आप बीट करते जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो गया है कि आपके सामने कब एक अच्छा खिलाड़ी आ गया और आपने उसको हरा दिया आपको भी खुद नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले उस सेक्शन के ऊपर जाना चाहिए जो सेक्शन आपके अकॉर्डिंग है या आप उसको बीट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं कि किस सेक्शन या सेक्शन कौन कौन से होते हैं जहां से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। देखो, ये रहा एक एग्जाम का पैटर्न जहां पर एग्जाम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। सबसे पहली बात कि जो ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है, मैं आपको वो बता दूं कि गैटबी की एग्जाम जो होती है वो एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, और इस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आपको एक टॉप यूनिवर्सिटीज या आईआईटीज में एडमिशन लेने को मिलता है, वो भी किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ ये एग्जाम आपको एज ए इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर भी एडमिशन दिलाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, ठीक है। और एक बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में इस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन लेते हो तो आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटीज। और सबसे पहली बात कर ले कि मैंने तो आपको एक जनरल सा इंट्रो दे दिया कि गैटबी की एग्जाम होती किस लिए, अब मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो देखो, गैटबी की एग्जाम में दो सेक्शन होते हैं, एक होते हैं सेक्शन ए जहां पर 10th लेवल के या 10+2 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड होता है बायोलॉजी। देन सेकेंड सेक्शन होता है सेक्शन बी, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ है। और ग्रेजुएशन की बात करें जैसे कि बेसिक बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, लाइफ साइंस आपसे पूछी जाती है, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूं इस पूरे के पूरे एरिया ऑफ सेक्शन के ऊपर। तो अगर कभी हम बात कर ले सेक्शन ए की, तो देखो यहां पर सेक्शन ए के अंदर 10+2 लेवल के ऑब्वियसली क्वेश्चन होते जरूर है, बट यहां पर एक बात ये आ जाती है कि सर सेक्शन ए को पढ़ते पढ़ते हुए टाइम बहुत हो चुका है। सोचो हमने 3 साल सर हमारे ग्रेजुएशन में निकाल चुके हैं, और हमारा ग्रेजुएशन एक स्पेशलाइजेशन है, और उसके अंदर शायद सर कभी हमने फिजिक्स पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, या केमिस्ट्री तो चलो होता ही होता है, मैथमेटिक्स पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो देखो ये वाला तो आपका स्ट्रेटेजी एरिया है, और ये एरिया ऑब्वियसली आप कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आप बहुत होशियार, बट फिर भी अगर मैं आपकी जगह पर रहूं तो मैं सबसे पहले सेक्शन बी की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि देखो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, ठीक है, आपको 60 क्वेश्चन मस्ट भी अटेम करने हैं,
और आपके पास में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वहीं पर अगर कभी हम बात कर लें कि यहाँ पर 60 के 60 कंपलसरी और 60 के 60 क्वेश्चन आएंगे, बट हमारे पास चॉइस का ऑप्शन मिलता है तो मैं तो सबसे पहले उस ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा जहां पर वो मेरा खुद का एरिया हो। तो जैसे कि मैं कहूं कि मैं सेक्शन बी की प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, बेसिक बायोलॉजी के बारे में पढ़ूंगा, लाइफ साइंस के टॉपिक्स को मैं पढ़ लूंगा, हालांकि मैं एक और एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा जिसके अंदर मैं टोटल सिलेबस को ब्रेक डाउन करके आपको बता दूंगा कि आखिरकार, हालांकि मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हुआ है कि कौन सा जो पैटर्न है या कौन सी यूनिट हमें कब करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, तो आप वो वीडियो मेरा जाकर देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कि कौन सा सेक्शन आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा या अटेम करने में भी और प्रिपरेशन करने में भी। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक बायोलॉजी एंड देन बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करूंगा, मतलब कुल मिला के मैं अपना एरिया जो कि मैंने स्पेशलाइजेशन किया है बीएससी या ग्रेजुएशन के अंदर, उस एरिया को मैं सबसे पहले करूंगा क्योंकि मैंने 3 साल उसके ऊपर टोटल मेहनत करी है। तो वो एरिया अगर कभी मैं लाइफ साइंस से हूं तो लाइफ साइंस वाले एरिया को, बायोटेक से हूं बायोटेक, अलाइड साइंस से हूं अलाइड सब्जेक्ट को मैं टोटल कवर करूंगा। अब इस एरिया को करने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि ये मैंने 3 साल वैसे ही मेहनत करके पढ़ा हुआ है। अब जो टाइम बचता है उस टाइम के अंदर मैं पार्ट ए या सेक्शन ए के ऊपर आऊंगा जहां पर मैं उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दूंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एंड देन बायोलॉजी लेवल तो हमारा ही लेवल है, ये तो अपन अटेम कर सकते हैं, बट फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वही चीजें जो कि एग्जाम के अंदर आती है। अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ने जाए तो हमें 2 साल भी कम पड़ेंगे, तो हमें पूरे सिलेबस के ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहली बात, किसी एग्जाम को टारगेट बेस्ड अगर स्टडी करो कम समय में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो देन मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस सेक्शन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो या उस सेक्शन को आप अटेम करना स्टार्ट करो जो सेक्शन आपका सेक्शन है, या आप उस सेक्शन के अंदर बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सेक्शन है जिसके अंदर, जो कि एक पूरी तरीके से ऐसा सेक्शन है जहां पर आप मैथमेटिक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूरी तरीके से घिरे रहते हो, ऐसे सब्जेक्ट ऑफ लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आप फिर वहां पर इन क्वेश्चंस को अटेम कर सकते हो, ठीक है, जहां पर 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 के 60 आपको अटेम करने होते हैं, जबकि सेकेंड सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हमें सिर्फ 60 अटेम करने होते हैं। तो सोचो इस 100 में से हमें सिर्फ 60 अटेम करने हैं, तो ऑब्वियसली हम इन 60 को टोटल अच्छी तरीके से अटेम करेंगे। सोचो यहां पर आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया, तो ऑब्वियसली आप इस 60 में से अप्रोक्सीमेट तो 30 क्वेश्चन तो कंप्लीटली करेक्ट करोगे ही करोगे, और वो भी कॉन्फिडेंटली करोगे, क्योंकि जब आप अपने एरिया को पहचान लेते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, एंड देन फिर आप सेक्शन ए को बहुत अच्छे से अटेम करोगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया अच्छा है। बिकॉज क्योंकि देखो तो मैंने तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर मैं होता तो इस तरीके से करता, बट आपको अपना एरिया खुद से च्वाइस करना है। देन और एक इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर ये जो न्यू बैच है, ये बैच 14 अक्टूबर 2024 तक के यहाँ पर आपके लिए थी, और अभी भी टाइम है, आप जाकर इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, एक्सक्लूसिव लाइव बैच जो कि 13 सितंबर से चेंज होकर 14 अक्टूबर तक के हो गई थी, मतलब कल तक के ये सारे डेट थी, आपको अभी भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ये आपको 30% के ऑफ के साथ अगर चाहिए तो आपको सिर्फ IFAS कूपन कोड लगाना पड़ेगा, जो कि IFAS30 एक कूपन कोड है, और फिर आप इस विक्ट्री बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। देन ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगी हो, आपने अगर हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप यहाँ से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। देन मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।